बिस्मिल्ला। शहीद की वालिदा की ज़ुबानी। मैं जब 16 साल की थी तब मेरी शादी हुई। मेरे हमसर भी हमारी तरह मज़हबी और हिज़्बुल्लाह के पैरोकार थे। हम अपने ज़ाती घर में रहते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुज़र रही थी। मैं शादी के कुछ मुद्दत बाद हमला हुई और 31 अगस्त 1995 को मेरा पहला बेटा पैदा हुआ, जिससे मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा शीरीन हो गई। मेरे हमसर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क में बेटे का नाम अहमद रखा। अहमद एक मालदार घराने में पैदा हुआ। ये दौलत हमारी विरासती थी, जो विरासत से ही हम तक पहुंची थी। लेकिन जैसा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तमाम माल व दौलत अल्लाह की है और इसने अपने बंदों को अमानत के तौर पर दी है और हुक्म दिया है कि वो इसको मियाना रवि के साथ इस्तेमाल करें, इससे खाएं पिएं, लिबास बनाएं, अज़दवाज करें और सवारी के लिए इसे इस्तेमाल करें और बाकी से ज़रूरतमंद मोमिनीन की मदद करें। चूँकि अहमद हमारा पहला बच्चा था, इसलिए सबका बहुत लाडला था। इसका बचपन भी बहुत आरामदेह और बग़ैर किसी तकलीफ़ के गुज़रा। बहुत बाअदब और खुश अख्लाक था। हर चीज़ को तवज्जो के साथ मद्देनज़र रखता। हमारा मज़हबी होना और दीन के हवाले से तमाम एतक़ादात अहमद में नज़र आते थे। जारी है इंशाअल्लाह।